सत श्री अकाल, एबीपी सांझा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब मेल विच अज खबरां दी शुरुआत करांगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों भ्रिष्टाचार के खिलाफ वड्डा एक्शन लिया गया है। अपने ही मंत्री नूं बरखास्त मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किया गया है। भ्रिष्टाचार के इल्जामों तो बाद साबका सेहत मंत्री विजय सिंगला नूं गिरफ्तार किया गया ते हुण उन्हां नूं मोहाली अदालत में पेश भी किया गया, जिथे मोहाली अदालत ने विजय सिंगला ते उन्हां दे ओएसडी नूं 27 मई तक पुलिस रिमांड ते भेज दिता है। इल्जाम ने कि विजय सिंगला वालों टेंडर विचों 1% कमीशन की मांग की जा रही थी, जिस तों बाद सीएम मान वालों यह वड्डा एक्शन लिता गया। तो इस वक्त डॉक्टर विजय सिंगला नूं मेडिकल के लिए लिया जा रहा है। तस्वीर तुसी देख सकते हो सामने दिया, और इसे गड्डी दे विच डॉक्टर विजय सिंगला ने तस्वीर जड़िया मोहाली के 6 फेस हस्पताल दिया, जिथे डॉक्टर विजय सिंगला नूं मेडिकल दे लई लिआंदा जा रहा है। तो मेडिकल दे लई लिआंदा जा रहा है, और इस वक्त डॉक्टर विजय सिंगला नूं मेडिकल चैकअप दे लई जाया गया, और मेडिकल चैकअप तो बाद 3 दिन की जिहड़ी पुलिस कस्टडी है उस दे विच मान सरकार विच सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला नूं कैबिनेट विचों बर्खास्त कर दिता गया। विजय सिंगला ते इल्जाम है कि हर टेंडर दे विच 1% कमीशन मंगदे सन। शिकायत मुख्यमंत्री भगवंत मान तक पहुंची सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान मुताबिक खुद डॉक्टर विजय सिंगला ने गुनाह कबूल किया है। इसलिए मैं उस मंत्री के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं, उन मंत्रिमंडल चो बर्खास्त कर रहे हैं, ते तुरंत पुलिस नूं उदे खिलाफ केस दर्ज करन दे निर्देश दे रहे हैं। उस मंत्री का नाम है डॉक्टर विजय सिंगला, जिहड़े कि सेहत मंत्री सी, ते उन्होंने अपने डिपार्टमेंट दे विच इह कपड़ेबाजियां कीतियां, ते उन्होंने ये गुनाह कबूल भी किया। मुख्यमंत्री मान ने दस्या कि उन्होंने ध्यान दे विच पूरा मामला आया सी। मामले की चुपचाप जांच करवाई गई, अफसरों तो पुछगिछ बाद डॉक्टर विजय सिंगला नूं तलब किया गया। मुख्यमंत्री मुताबिक वो चाहते तो मामला दब सकते सन, पर अपनी जमीर नूं धोखा नहीं दिता। मेरे ध्यान च एक केस आया जिहदे विच मेरी सरकार का एक मंत्री हर टेंडर चों जां उस महकमे नाल संबंधित खरीदो फरोख्त दे विचों 1% कमीशन मंगदा सी। मैं इस केस नूं बहुत गंभीरता नाल लिया। इस केस दा सिर्फ मैनू पता है, ना तो मीडिया नूं पता है, ना विरोधी पार्टियां नूं पता। जे मैं चाहुंदा तां इस केस नूं मैं दब सकदा सी, पर जे मैं इदां करदा तां अपनी जमीर नाल भी धोखा करदा, ते लखां लोक जिन्हां ने मेरे ते विश्वास कीता है उन्हां दा मैं विश्वास तोड़दा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के हुक्मां ते डॉक्टर विजय सिंगला खिलाफ कार्रवाई हुई। मोहाली के फेज 8 दे विच पुलिस स्टेशन च राजेंद्र सिंह की शिकायत ते केस दर्ज होया। पुलिस ने डॉक्टर विजय सिंगला नूं गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह भ्रष्टाचार नूं लैके कोई समझौता नहीं करनगे। मुख्यमंत्री मान के मुताबिक देश के इतिहास के विच अजिहा दूजी दफा हो रहा है। मैं तुहानूं सारयां नूं दसना चाहुंदा कि आम आदमी पार्टी सरकार जीरो टॉलरेंस रखेगी भ्रिष्टाचार के खिलाफ। इतिहास दे विच भारत के 75 साल आजादी के होने वाले ने, इतिहास दे विच दूजी बार ये काम हो रहा। एक बार 2015 दे विच अरविंद केजरीवाल जी ने अपने फूड सप्लाई मिनिस्टर नूं एक ऑडियो फोन पर पैसे मंगण दे चार्ज दे हेठ बर्खास्त भी किया सी, ते उहदा केस जिहड़ा CBI नूं दित्ता सी। अपने मुख्यमंत्री दी पेठ दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी थापड़ी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान ते बहुत मान है। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी, अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीशन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं,
उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। डॉक्टर विजय सिंगला कोल सेहत अते परिवार भलाई अते मेडिकल सिक्ख्या ते योजना महकमे सन। 19 मार्च नू विजय सिंगला ने मंत्री अहुदे दी सौं चुकी सी। 24 मई नू डॉक्टर विजय सिंगला नू मुख्यमंत्री मान ने कैबिनेट चो बर्खास्त कर दिता। विजय सिंगला ने मानसा हल्के तो विधानसभा चोण लड़ी सी अते जित हासिल कीती सी। 1,23,000 वोटा लैके विजय सिंगला ने कांग्रेसी उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला 63,323 वोटा नाल हराया सी। पेशे तो दंदा दे डॉक्टर विजय सिंगला अज खुद भ्रष्टाचार दे रोग नाल लिप्त पाए गए ने। नतीजा सियासी करियर शुरू होण तो पहला ही खत्म हो गया। फिलहाल समय एक छोटे जे ब्रेक दा। ब्रेक दे उस पार सीएम मान वालों ले गए सेक्शन दे खिलाफ पंजाब दी सियासत विच की है हलचल दसांगे ब्रेक तो बाद। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों किए गए सैक्शन के खिलाफ पंजाब की सियासत भी गरमा गई है, जिथे कांग्रेस इस फैसले से एक मत नहीं है तो उधर बीजेपी अकाली दल वालों इस फैसले से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अपने ही सेहत मंत्री के खिलाफ लए सख्त एक्शन ने पंजाब की सियासत विच हलचल पैदा कर दी है। विजय सिंगला ते लगे भ्रिष्टाचार दे इल्जामां तो बाद मान सरकार विरोधियां दे निशाने ते आ गई है। कांग्रेस वालों तंज कस्या गया है। कांग्रेसी लीडर राजकुमार वेरका दा कहना है कि लड़ाई केजरीवाल दी टीम अते मंत्रियां दरमियान कमीशन दी बनदी सी, कोई ईमानदारी दी नहीं। वेरका भावे सवाल चुक रहे ने जदों कि सुखपाल खहरा इस कार्रवाई दे लई भगवंत मान दी तारीफ कर रहे ने। असल में क्या है कि किसी मंत्री को कमीशन मांगने का अधिकार नहीं। केजरीवाल की अपने टीम में बैठी हुई है, वो कमीशन मांग रही है। असली कमीशन का झगड़ा पड़ गया इनके बीच में कि वो कमीशन मंत्री मांगे या केजरीवाल की टीम मांगे। और हैरान की इस बात की है कि जिसे कहते ना कि दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की दौलत छुपी रहे। केजरीवाल जी आप ये बता दो कि लाखों में चंदा इकट्ठा होता है आपके पास, करोड़ों रुपया इलेक्शनों में खर्च कर रहे हो, वो पैसा कहां से आ रहा है? ये एक सवाल है। मैं समझता हूं कि ये छोटी मछली के ऊपर हाथ पड़ा है। ये सारा तालाब ही केजरीवाल का गंदा तालाब है। देखिए ये बड़ा एक वेलकम स्टेप है। करप्शन इन हाई प्लेसेस को रोकने के लिए भगवंत मान का ये कदम, इसकी तारीफ करनी बनती है। ऑल दो आई एम इन दी ऑपोजिशन और मेरा उनके साथ कोई अच्छे रिलेशन भी नहीं रहे हैं, लेकिन जो काम अच्छा करते हैं कुछ जो भी लोग करें तो उसकी तारीफ तो बनती है। गलत काम करेंगे तो उनको टोकते हैं, हम रोज टोकते हैं अगर गलत काम करते हैं। इसलिए इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये फैसला सिलेक्टिव नहीं होगा, कि चुन चुन के नहीं होगा, ये यूनिफॉर्म चलेगा। अब जिन लोगों ने भी करप्शन की है पंजाब में या जो करने जा रहे हैं, इनके बहुत सारे MLAs के ऊपर भी बहुत शिकायतें आई हैं, उन सब की जांच करेंगे। इस एक्शन का स्वागत अकाली दल वालों भी होया, पर नाल ही अकाली दल ने मुख्यमंत्री मान नू अपील की है कि इस तो अगे इस सारे मामले की जांच हाई कोर्ट दे सिटिंग जज या CBI तो करवाई जावे। मुख्यमंत्री साहब अगे स्टेप होर पट लो, कृपा करके ये जी जांच है मानयोग हाई कोर्ट दे सिटिंग जज तो कराओ या CBI तो कराओ, ताकि दुध का दुध ते पानी का पानी हो सके। और मैं समझता कि केजरीवाल साहब के बयान दीआं धज्जियां उड्डियां ने अज, जिहड़े कहिंदे सी दसां दिनां दे विच असीं सारे दा सारा भ्रिष्टाचार खत्म करता, ते भ्रिष्टाचार तो थोड़े घर ही चल रहे सी। इस करके एक बार मैं फिर जोर दे के मंग करदा कि मानयोग हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो इहदी इंक्वायरी होनी चाहीदी है, और जिहड़ा पोर्टल शिकायत वाला हैगा उहदे ते भी जिन्नियां शिकायतां आईआं उहदी भी इंक्वायरी मानयोग हाई कोर्ट के सिटिंग जज तो होनी चाहीदी। बीजेपी सिंगला के खिलाफ हुई इस कार्रवाई नू महज दिखावा दस रही है। फतेहजंग बाजवा के मुताबिक गुजरात ते हिमाचल चोणां दे मद्देनजर एक कार्रवाई एक चोण स्टंट है। मेरा मानना यह है भी ये अभी भगवंत मान को 1% ही दिख रहा है। ये आपके 92 के 92 MLA और इनके जो मंत्री हैं 92 जो इनके MLAs और इनके जो मंत्री हैं उनके ऊपर रिपोर्ट सारों की तैयार की जा रही है। ये थोड़ी देर में 10-15 दिन के अंदर अंदर वो भी इनको दूसरों के बारे में बता दें। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ,
कहीं ये आई वॉश तो नहीं, कहीं ये लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं भी हम देखो हमारे एक मंत्री ने 1% मांगा तो हमने हमने उसे निकाल दिया, उसे बर्खास्त कर दिया। क्या इस मंत्री के ऊपर क्रिमिनल जो प्रोसीजर है वो चलाया जाएगा, उसको अडॉप्ट किया जाएगा? क्या इसको उसकी सजा मिलेगी? इसको सजा मिलेगी तो हम समझेंगे भी इन्होंने सही कार्रवाई की है। कोई सवाल चुक रहा थे, कोई स्वागत कर रहे हैं, अलग ही विरोधियों नु मुख्यमंत्री मान ने पहला ही जवाब दे दिता सी। कई विरोधी पार्टियां कहणगियां देखो जी 2 महीने दे विच ही इन्हां दा एक मंत्री जिहड़ा है वो करप्शन दे विच आ गया, तो उहदे कार्रवाई भी तो मैं ही कर रहा। विरोधी पार्टियों तो पता भी नहीं सी, उन्हां दे भी मुख्यमंत्री ये कहिंदे रहे ने कि सानूं पता सी कि इन्ने मंत्री साडे माफिया दे विच इनवॉल्व ने, पर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये गल मैं उन्होंने पूछना चाहूंगा। इस एक्शन के नाल ही विजय सिंगला की कुर्सी जा चुकी है। क्यास ने कि सिंगला की एक कुर्सी अमृतसर दखनी तो विधायक डॉक्टर इंदरबीर निज्जर नु मिल सकती है। इंदरबीर निज्जर मुताबिक भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब के नारे के नाल पार्टी सत्ता में आई सी, इसलिए एक्शन लाजमी सी। आम आदमी पार्टी से क्लीन गवर्नमेंट देन दे प्रॉमिस नहीं सीगी, वादे नहीं सीगी, सो इस ते सानू खरा उतरना चाहिए ते बाकी बिल्कुल जो भी मतलब मान साहब ने किया सोच समझ के किया होगा। 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਮਹਿਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, 1,23,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 63,323 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਰੁਕਦੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਛਿੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਛਿੜੇ ਘਮਸਾਨ ਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿੰਗ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੱਸਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
साहब के जथेदार साहब ने यह बयान दिता कि सिखा मॉडर्न हथियार रखने की लोड़ है। मेरा ख्याल ये बयान के पिछे कोई ना कोई साजिश होती है। असी सब इतने साडे गुरु ने यह गल कहा आनंदपुर साहब, कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे बयान ते कांग्रेस दो तड़ियां दे विच वंडी गई है। जिथे कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने जथेदार दी अपील दा विरोध जताया तो उथे ही कांग्रेसी लीडर हरमिंदर गिल ने जथेदार दा पक्ष पूरिया। देखो जथेदार हरप्रीत सिंह हुणी श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार ने, श्री अकाल तख्त साहब मीरी पीरी दे सिद्धांत दे दृढ़ करवाउंदा है। और जिहड़ा इह बयान है मैं समझदा एक तां मीरी पीरी सिद्धांत दे अनुकूल है, जिथे सिखां दी राजनीति ते धर्म कट्ठा है उहदे अनुकूल है। दूसरी गल उन्होंने कोई गैर कानूनी गल नहीं की, उन्होंने बिना लाइसेंस तो हथियार रखने की गल नहीं की, वह लाइसेंस चुदा हथियार रखने की गल करते। ਜਦੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਕੋਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਜੋ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਤਭੇਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਫਤਿਹਚੰਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। देखो उसके दो पहलू हैं। हमारे गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी और पीरी की जब प्रथा चलाई थी तो उस वक़्त सिख समुदाय, सिख हमारा धर्म हमेशा जालिमों के अगेंस्ट लड़ता रहा, चाहे वो अपना इनके मुगल राज था या पहाड़ी राजों का राज था। और उसके जो जालिम के अगेंस्ट अगर तलवार भी चलानी पड़ी तो उसको वो मानते थे, भी हम धर्म की खातिर अपने लोगों की बचा के लिए अगर हम करते हैं तो ये धर्म में ठीक माना जाता है। तो अगर शास्त्र की आप पूजा करना चाहते हैं या पुराने हमारे गुरुओं ने बताया तो इसको इस नज़रिए से हो सकता है वो ठीक बोले, पर आज की स्थिति में ऐसी स्टेटमेंट देनी अच्छी मैं नहीं समझता। ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 24 ਮਈ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਚੋਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੁੰਦੜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 117 'ਚੋਂ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਤੈਅ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਐਸ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ 24 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ।
नॉमीनेशन वापस लैण की तारीख 3 जून तय की गई है। नॉमीनेशन विधानसभा के सैकटरी को विधानसभा का सैकटरी इस चोण के लिए रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। नॉमीनेशन भरन का समा सवेरे 11 बजे तो दोपहर 3 बजे तक का है। 10 जून सवेरे 9 बजे तो शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 10 जून शाम 5 बजे की जानी है। चोण कमिशन वालों इस चोण संबंधी सारा काम 13 जून तो पहला मुकम्मल किया जाना है। हालांकि इन दोवे सीटों लिए वोटिंग होने की उम्मीद घट जाती है क्योंकि विधानसभा आम आदमी पार्टी के कोल 92 विधायक ने ते इन दोवे सीटों के लिए कुल 117 विधायकों ने वोटिंग करनी है। हालांकि इस तो पहला सूबे दी खाली हुई 5 सीटों उत्ते भी आम आदमी पार्टी अपने 5 मैंबर राज्यसभा भेज चुकी है जिन्हें दिल्ली के विधायक राघव चड्ढा साबका क्रिकेटर हरभजन सिंह प्रोफेसर संदीप पाठक लुधियाना के बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा और लवली प्रोफेसनल यूनिवर्सिटी के अशोक मित्तल का नाम शामिल है। हालांकि हरभजन सिंह की चोण तो इलावा बाकी 4 सीटों उत्ते विरोधियों ने यह कह के सवाल खड़े किए सन कि आम आदमी पार्टी वारी लोगों को राज्यसभा भेज के पंजाबियों के हकों उत्ते डाका मार रही है लिहाजा हुण 2 होर सीटों लई चोण होनी है। अजिहे च इन्हां दोवां सीटां लई आप वल्लों किहड़े 2 चेहरे राज्यसभा भेजे जाणे ने इस उत्ते सब दीआं नज़रां बणीआं होईआं ने। फिलहाल पंजाब मेल विच अज दे लई एडा ही, तुसीं मैनूं दिओ इजाजत, पर देश दुनिया ते पंजाब दीआं वड्डीआं खबरां वेखण दे लई तुसीं बणे रहो एबीपी सांझा दे नाल।